हार्दिक स्वागत। हमें आज ऐसा नेता मिला है जिसके मन में पीड़ा है, जिसके दिल में पीड़ा है, और ऐसे व्यक्ति सदियों में पैदा होते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में डॉक्टर उदिता जी इस देश के ऐसे नेता है, ऐसे इंसान है जिसके दिल में पीड़ा है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुस्लिमों के लिए। इनकी जो पॉलिसी है यह है कि जो व्यक्ति लाइन के सबसे पीछे व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति को भी उतना इंसाफ मिलना चाहिए जितना लाइन में सबसे आगे व्यक्ति खड़ा है उसको मिलना है। तो हम लोग डीओएम के माध्यम से पूरे देश में संगठन को बनाने का काम कर रहे हैं। अभी परसों मैंने हमारे साथियों गोविंद सिंह राणा जी, मुन्ना जी बैठे हैं साथ में, इन लोगों ने जो मुस्लिम समुदाय के जो अग्रणी मेरठ के हैं, तीन जगह उन लोगों ने मीटिंग कराया था। जब डॉक्टर उदित राज का उन लोगों ने नाम सुना तो बड़े उत्साह से उन लोगों ने पूरा सहयोग देने का काम किया वहाँ पर, और डीओएम से वो लोग जुड़े हैं। अभी आज ही मुंबई से फोन आया कि डीओएम के मीटिंग मुंबई में यहाँ पर छह सात लाख उठाना चाहते हैं, उधर डॉक्टर साहब वहाँ ना जा पाए, लेकिन मैं खुद जाकर संगठन वहाँ पर बनाने का काम करूँगा। तो साथियों ऐसे व्यक्ति का साथ हमें मिला है जिसके मन में पीड़ा है। लोग कहते थे कि डॉक्टर उदित राज सिर्फ दलितों के नेता हैं, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर उदित राज दलितों के नेता नहीं है। डॉक्टर उदित राज इस देश की 85% जो आबादी है वो सबके नेता है, और लेकिन तो नहीं 85% जनता डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में आएगी वो जब प्रधानमंत्री बनने का पूर्व सकता कि जो 2% लोग 15% लोग जो सत्ता में काबिज हैं वह लोग हटाए, और आप 80% जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो डॉक्टर उदित राज जी हमें देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस देश का उद्धार होगा क्योंकि जो पॉलिसी बनती है वो अमीरों के लिए बनती है। 11.5 करोड़ या 11.5 हज़ार करोड़ कोई लेकर भाग रहा है, कोई 2,000 करोड़ लेकर जा रहा है, कोई 22,000 करोड़ लेकर जा रहा है, कुछ 400 करोड़ लेकर जाएगा। अगर डॉक्टर उदित राज जैसे लोग प्रधानमंत्री की सीट पर आएंगे तो उनकी हिम्मत नहीं है कि 85% लोगों का हक मांगकर विदेशों में लेकर पैसे उठ जाएंगे। तो साथियों इस डीएमओ को परिसर को पूरा मजबूत करना है, और आपके पूरे देश में साथी है वहाँ एक मैसेज पहुँचाना है कि डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में दलित पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी का एक समूह बना है, परिसर बना है। आप सब लोग जो इस देश के हर क्षेत्र में काम करने वाले हैं, समाज में काम करने वाले हैं, उन सारे लोगों को जोड़ना है ताकि हम डॉक्टर उदित राज का हाथ मजबूत कर सकें, और जो गरीबों के हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, उसको हम लोग मजबूत से लड़ सकें। तो मैं इन शब्दों के साथ भाई परमिंदर जी ने बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर उदित राज का, बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस परिसर का गठन करने का जो काम किया है और हम लोगों को साथ में जोड़ा है। तो मैं परम आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।